दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर एक पर हैं। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन, आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं, देश मणिपुर के लोगों के साथ है, देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहती है। सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है, हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश के आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेज, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसके लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। कभी कभी हमारे देश में बड़े बड़े करप्शन की चर्चाएं तो होती है, लेकिन करप्शन समाज में निचले स्तर तक इस प्रकार से गरीब आदमी को लूटता रहा है, इस प्रकार से पैसे बर्बाद होते रहे, ये मैंने भली भांति देखा है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा और सरकारी योजनाओं के कारण भाइयों बहनों, एक समय था जब हम ये देख रहे थे भाई विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो, माइनॉरिटी के लिए कोई व्यवस्था हो, सरकारी खजाने से पैसे जाते थे, लाभार्थियों की सूची भी आती थी। लेकिन जब हमने जरा गहराई से देखा तो हमारे ध्यान में आया कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है इस दुनिया में, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसे लोग भी सूची में हैं और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये बिचौलिए अरबों खरबों रुपया निकाल देते थे और कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। इस आधार व्यवस्था के तहत हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपया जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं।